मुजफ्फरपुर जिले में अगलगी का कहर जारी है। ताजा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां आग लगने से तकरीबन आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। इस अगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को मदद देने की गुहार लगाई है। अभी सुनने में जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बहुत दुखद बात है। जो दो आदमी की लड़की की शादी के लिए अपनी सारी व्यवस्था की हुई थी, लगभग 5-7 लाख से ऊपर का उनका संपत्ति जला है, 2-3 बथान जले हैं। लगभग घर की संख्या अनुमानित तभी 5-7 आदमी का होगा, पूर्ण रूपेण पहले बुझ जाता। जमुई में SSB ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान चरका पत्थर कंपनी के कमांडर अजीत कुमार और डॉक्टर MS परवाज ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में डॉक्टर MS परवाज ने वीर शहीद जवानों के परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने वीर जवानों की शहादत पर गर्व है। इस मौके पर SSB के सभी जवान उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन पंचायत के वार्ड नंबर 2 में नल जल योजना में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिस कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जिला स्तरीय टीम ने जांच के बाद वार्ड सदस्य और मुखिया को शुद्ध पेयजल की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया। बावजूद इसके उन्होंने अब तक इस ओर कोई काम नहीं किया, जिसके बाद से ग्रामीण काफी निराश दिख रहे हैं। शिकायत मुखिया वार्ड 21 से किए हैं जी।